गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट, टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ लेसन सिक्स इन इंग्लिश. रिवीजन ऑफ लेसन सिक्स इन इंग्लिश. लेसन सिक्स है आपका मिरेकल्स ऑफ गॉड, ईश्वर के चमत्कार. आज हम इसके रिवीजन करेंगे. सभी बच्चों ने इसे ध्यान से करना है. पेज नंबर 37 पर लेसन सिक्स भी आपके यूटी में आएगा, तो सभी ने इसकी तैयारी करनी है. ए है आपका टिक राइट द करेक्ट आंसर. एमसीक्यूज हैं आपको चूज करने हैं. फर्स्ट है द लैम मैन बिगेन टू. लंगड़े आदमी जो थे उन्होंने क्या करा? टॉक, बातें करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया. वॉक, चलना शुरू कर दिया. लिसन या सुनना शुरू कर दिया. तो जो लंगड़े व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था बच्चों? वो चलने लगे थे. तो यहाँ आएगा बी ऑप्शन चूज करेंगे हम, वॉक, डब्ल्यू ए एल के, वॉक. द लैम मैन बिगिन टू वॉक. सेकंड है द क्राउड सैंग एंड डांस. द क्राउड, सी आर ओ डब्ल्यू डी, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, सैंग एंड डांस. जो भीड़ थी उसने गाना शुरू किया और नाचने लगे. कैसे? मैरिली, खुशी से. सैडली, दुख से. पीसफुली, शांति से. तो आपका राइट आंसर है मैरिली, खुशी से. जो भीड़ थी उसने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया. ठीक है, बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट है ही डैश अप अ हील. वह हील पर क्या होगा? चढ़ेगा, क्लाइंब. ही क्लाइंब अप अ हील एंड सेट ऑन इट. और उस पर बैठ गया. वह हील पर चढ़ा और उस पर बैठ गया. तो फर्स्ट में आपका क्लाइंब आएगा, सी एल आई एम बी ई डी, क्लाइंब. एंड इसके सेकंड उसमें एस ई टी, सेट. सेकंड देखिए, द क्राउड डैश एंड डांस मैरिली. जो भीड़ थी उसने क्या करा? डैश एंड डांस, नाचना और गाना शुरू कर दिया. गाने के लिए सेंग, एस ए एन जी, सेंग. द क्राउड सेंग एंड डांस्ड मैरिली. थर्ड है जीजस डैश देम. यीशु जो थे, जीजस जो थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया उन्हें. किस तो आशीर्वाद के लिए क्या वर्ड यूज होगा? ब्लेस्ड, बी एल ई डबल एस ई डी, जीजस ब्लेस्ड देम. जीजस ने उन्हें आशीर्वाद दिया. फोर्थ, देयर वॉज अ डैश, देयर वॉज अ मिरेकल. यह एक चमत्कार था. यहाँ क्या था वहाँ पे? वो एक चमत्कार था, मिरेकल था. एम आई आर ए सी एल ई, एम आई आर ए सी एल ई, मिरेकल मीन्स चमत्कार. फिफ्थ है दे वर डैश येट दे वर ग्लैड. वे हंग्री थे एंड खुश थे. तो एच यू एन जी आर वाई, वे भूखे थे फिर भी वे खुश थे. ग्लैड मीन्स खुश. एच यू एन जी आर वाई, हंग्री, भूखे. एंड ग्लैड मीन्स खुश. दे वर हंग्री येट दे वर ग्लैड. वो भूखे थे फिर भी वे खुश थे. सी चूज देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. आपको जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे अपने टी फिल करना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके आगे अपने फॉल्स लगाना है. फर्स्ट, पीपल लिसन टू जीसस क्रिस्ट पेशेंटली. जो लोग थे वो जीसस क्रिस्ट को धैर्यपूर्वक सुन रहे थे. पेशेंटली होता है मतलब ध्यान लगाकर, ध्यान से, धैर्य रखते हुए, क्योंकि वो भूखे थे फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ था और वो जीसस क्रिस्ट की बातों को सुन रहे थे. पीपल लिसन टू जीसस क्रिस्ट पेशेंटली. तो ये राइट स्टेटमेंट है. तो यहाँ हम टी फिल करेंगे, टी फॉर ट्रू. सेकंड, मोस्ट ऑफ द पीपल लव एंड रिस्पेक्टेड जीसस. ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग
जो थे वो जीसस से प्यार करते थे, लव्ड, लव्ड मीन्स प्यार करते थे, एंड रिस्पेक्टेड, और उनके आदर करते थे, आदर मीन्स इज्जत, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर करते थे। ज़्यादातर लोग जीसस का, जीसस को प्यार करते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ हम भी टी फिल करेंगे। थर्ड देखिए, सम ऑफ द पीपल हेटेड जीसस क्राइस्ट, कुछ लोग, सम ऑफ द पीपल, कुछ लोग जीसस क्राइस्ट से नफरत करते थे, हेटेड मीन्स नफरत करते थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सभी उनसे प्यार करते थे, कोई भी उनसे नफरत नहीं करता था, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। फोर्थ देखिए, जीसस हैड अ मिरेकल पावर, यीशु जो थे, जीसस जो थे, उनके पास जादुई पावर थी, चमत्कार था, चमत्कारिक शक्ति थी, तो ये ट्रू है, ठीक है, यहाँ भी हमने टी फिल करना है। फिफ्थ देखिए, द क्लर्जी मैन वर गुड फॉर द सोसाइटी, द क्लर्जी मैन CLERGYMEN, क्लर्जी मैन वर गुड फॉर द सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी, क्लर्जी मैन मीन्स पादरी, जो चर्च में होते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं, जो चर्च में होते हैं, आप लोग फादर बोलते हैं उन्हें, ठीक है, और सोसाइटी मीन्स समाज, तो जो क्लर्जी मैन थे वो समाज के लिए अच्छे थे उस समय, जो कि जो क्लर्जी मैन थे वो समाज के लिए सही थे उस समय, ये फॉल्स है, ठीक है, तो यह हमने फॉल्स लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन एंड वेयर वॉज जीसस क्राइस्ट बॉर्न, आप ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से देखिए, व्हेन, कब एंड वेयर, कहाँ जीसस क्राइस्ट बॉर्न, जीसस क्राइस्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन 25th दिसंबर इन जेरूशलम, उनका जन्म 25 दिसंबर को जेरूशलम में हुआ था, 25th दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर इन जेरूशलम, JERUSALEM, जेरूशलम, जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन 25th दिसंबर इन जेरूशलम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु वर जीसस क्राइस्ट पेरेंट्स, नेम देम, जीसस क्राइस्ट के पेरेंट्स कौन थे, उनके नाम बताइए, हु वर मीन्स कौन थे, पेरेंट्स PARENTS, पेरेंट्स मीन्स माता पिता कौन थे, नाम बताओ, मैरी MARY, मैरी वॉज हिज मदर, मैरी उनकी माताजी थी, माँ थी, एंड जोसेफ वॉज हिज फादर, JOSEPH, जोसेफ वॉज हिज फादर, जोसेफ जो थे उनके पिताजी थे, ठीक है, मैरी वॉज हिज मदर एंड जोसेफ वॉज हिज फादर, ठीक है, जीसस क्राइस्ट की मम्मी का नाम क्या था बच्चों, मैरी, और उनके पापा का नाम था जोसेफ, ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने इतना ही करा रही हूँ, इस रिवीजन को आप सभी ने करना है और यूटी की तैयारी करनी है, कल आपका यूटी है, सभी बच्चों ने अपना यूटी ध्यान से करना है, ठीक है, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।